करोड़ है। ओके तो मुद्दसर जी एंड कृषिका जी, आपने देखा अभी सभी कि आप इस फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट है वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के रिलीज के? उनसे तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं हम, इसलिए क्योंकि हम उनके पहले से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर। आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस, जब कास्ट एक फिल्म से खुश होती है तो मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को भी, मीडिया को भी और जनता तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि जब कास्ट किसी फिल्म को लेकर के खुश होती है, जब उसको प्रमोट करने की इच्छुक होती है, तो अमूमन होता ये है कि वो फिल्म ठीक बनी होती है, अच्छी बनी होती है, उसका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा होता है, तो जाहिर है कि इस बात की बहुत खुशी। जैसे मुद्दसर ने कहा कि यस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, क्योंकि ट्रेलर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ रिलीज़ हो रहा है ऐसे लग रहा है हमारी तरफ से, तो अच्छा लग रहा है कि आर कास्ट इज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड बिकॉज अभय इज कम आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड आई मीन ही इज़ वेरी चूज़ी आई मीन एंड डायना इज कम आफ्टर वेरी लॉन्ग, सो सब लोग एक्साइटेड हैं उनको बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैंस ऑफ देयर्स, दे आल्सो वेरी एक्साइटेड टू वेट टू वॉच ऑल दिस एंसेंबल कास्ट, सो यस वी बोथ आर एक्साइटेड एंड माय होल कास्ट एंड क्रू इज एक्साइटेड फॉर हैप्पी भाग जायेगी रिलीजिंग इन ऑगस्ट 19। मुद्दसर जी हमने Is it like a runaway bride of Julia Roberts inspired by that? Not at all. I don't know why you get that idea from. I don't think Richie Runaway to Mexico. So yeah, so she didn't run away to a neighboring country, as far as I remember. But no, to clear the myth, in fact I'm happy you asked me the question, because it allows me to clear a myth. This is not a story about a runaway bride, it's not. It's just a coincidence that the night that she chose to run away from a particular aspect of her life happened to be the night of her wedding, you know. She's not running from marriage. A few people have asked me this question before also, is she commitment phobic, does she not like marriage, is she a runaway bride? No, she's none of the sort. She in fact is running away for love. Jab aap film dekhenge to aap realize karenge ki wo mohabbat ki taraf bhag rahi hai. Uske saath ittefaq kuch ajeeb sa aisa ho jata hai ki wo, she lands up in a place where she's not supposed to be. And then what transpires and a comedy of errors takes place and how everyone seems to get involved in it, which is why you see like a mashallah an ensemble cast sitting in front of you each time you all go for any happy promotion. So yeah, that's what it's about. It's not, it's got nothing to do with that. And sir, मेरा सवाल आपसे है सर, डायना को आपने क्यों चुना फिल्म के लिए? क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से फिल्में नहीं करी और फिर पहला ऑप्शन आपने किस तरीके से रखा? ये बड़ा अच्छा, ये इसलिए इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि ये हर इंटरव्यू में ऐसा कर रहा है, खास करके मुद्दसर जी, मैंने नोटिस किया हर इंटरव्यू में जी जी वो है, हर इंटरव्यू में ऐसा वो कर रहे हैं। हां ये अफवाह है बिल्कुल भी। और खैर आपके सवाल पे मैं वापस आता हूं। हां जी सर जी, तो नहीं देखिए कैसा है ना कि ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई किसी को चुनता है एक फिल्म के लिए। यूं देखा जाए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार मुद्दसर अजीज 6 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा था, आपने मुद्दसर अजीज की फिल्म क्यों चुनी, यू नो? तो आई डोंट थिंक दैट्स द स्पिरिट इन विच फिल्म्स आर मेड। जब एक फिल्म लिखी गई और उसका एक किरदार रचा गया और जब मैं चाह रहा था कि उस किरदार को मैं कास्ट कर सकूँ, तो जाहिर है कि मैं अलहदा एक्ट्रेसेस से उस वक्त मिल रहा था और उस दौरान मेरी मुलाकात डायना से हुई। और ये इंसिडेंट शायद आप में से कुछ लोग जानते हों क्योंकि मैंने पहले इसका जिक्र किया है। हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और वो ख़ुद कह चुकी हैं कि एक किरदार उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा बड़ा दूर का किरदार था। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो खैर नरेशन के बाद मैं बाहर कंपाउंड में था एंड डायना निकल रही थी घर जाने के लिए, एंड शी वॉक्ड अप टू मी एंड शी सेड दैट आई डोंट नो हाउ क्लोज आई एम टू दिस कैरेक्टर दैट यू हैव रिटन, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आई एम वेरी हंग्री and I'm willing to give it a 200%. And sir, correct me if I'm wrong, जैसे कि अभय के character को भी पहली choice उनकी कोई और थी? नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये आप लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, मैंने ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा है जैसे कि फवाद खान पहली choice थी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने भी पढ़ा है, पढ़ा तो मैंने भी। सो उसी के बारे में सर थोड़ा लिखा, मैंने नहीं लिखा, आप में से किसी ने पढ़ा है? मैंने भी जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी से अभी कह रहा था कुछ वक्त पहले
कि देखिए जब एक खाली कैनवस होता है तो आप किसी पेंटर से पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पहले ऑरेंज इस्तेमाल किया था या ब्लैक, है ना, आप उसकी पेंटिंग देखते हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है, और जब कैनवस खाली होता है तो जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं, इट्स आई विश आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन सिंपलर वर्ड्स बट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, बिलाल हो। जब आप किसी को फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस कहने लगते हैं तो उसका ये मतलब हो जाता है कि क्या वो फिल्म उसके पास पहले ले गई थी किसी ने, तो उसका जवाब ये है कि हरगिज नहीं। यू अंडरस्टैंड, वरना सोचने को तो मैं टॉम क्रूज सोच लूँ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट्स नॉट ट्रू, आई डोंट नो, आई हैव नेवर मेड अ स्टेटमेंट लाइक दैट। आई थिंक ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, इंशाल्लाह कम द स्क्रिप्ट कम द पार्ट उनके साथ भी काम करेंगे मौका मिला तो। लेकिन इस फिल्म के लिए अभय देओल न सिर्फ इस किरदार के लिए फर्स्ट चॉइस थे, जिमी शेरगिल इस किरदार के लिए फर्स्ट चॉइस थे, अली फजल इस किरदार के लिए फर्स्ट चॉइस थे, और डायना पेंटी जैसा मैंने आपको वाकई अभी बताया वो इस केस के लिए फर्स्ट चॉइस थी। तो मज़ेदार बात ये रही इस फिल्म के बनने में, स्लाइटली टेकिंग अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन, इज दैट जब मैं ये कास्ट सेटअप कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर्स राय साहब और कृषिका जी, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि ये जो आप लोग जितने प्यार से जितने स्नेह से इसको एक फ्रेश कास्टिंग कह रहे हैं, इसका श्रेय इनको जाता है, क्योंकि एक राइटर डायरेक्टर के लिए सोच लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सोच सकता है एक इंटरेस्टिंग कास्ट, लेकिन प्रोड्यूसर का उसके विजन को बैक करना जरूरी होता है। No, not at all. It was complete. Also, we had introduced Diana in that. Ross had introduced. So it was. She had done a brilliant work in Cocktail also. So I was. We all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. The content needed the. People like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well, and they were perfect for the role. So it was not a risk. तो जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है कि अभय देओल पाकिस्तानी लोअर का रोल निभा रहे हैं, तो क्या ये पिक्चर पाकिस्तान में भी रिलीज होगी? जी बिल्कुल रिलीज होगी, बिल्कुल रिलीज होगी. It is releasing in Pakistan. We hope. That it will be as well received, because the trailer has been as well received in Pakistan also. So there's no reason why, inshallah, the film will also be received very well in Pakistan. And we have two Pakistan from Pakistan. Yeah, two actors in the film from Pakistan. And Javed Sheikh acted in the film. So. अच्छा लोग इस मूवी को डॉली की डोली से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं देखिए अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनअवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया, बट अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों बनाएगा? नहीं, एक्चुअली डॉली की डोली में भी सोनम कपूर भागती है एंड इसमें भी हैप्पी भाग ही रही है। नहीं, so, वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागती है, तो उसका क्या किया जाए? अब देखिए अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पर आपके सवाल को थोड़ा सा और मजाहिया सेंस में अगर मैं लूँ तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है, अब उसका क्या कीजिएगा आप, उसको बदल तो सकते नहीं हैं। तो ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में, उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है। जाहिर है कि उस बात का और जाहिर है कि वो जो कहानी गढ़ी जाती है वो अपने आप में अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में हैं। जो तीन फिल्मों का जिक्र हो चुका वो तो रिलीज़ हो गई ना, वो तो तीनों एक दूसरे से तीनों का कोई मेल नहीं है, तो जाहिर है कि उसी तरह इस फिल्म का भी किसी भी फिल्म से कोई मेल नहीं। ये मनगढ़ंत बातें हैं, बट अच्छी बातें हैं क्योंकि कम से कम कोई अटखली लगा तो रहा है कि किस टाइप का क्या है मामला। सर जैसे कि मैम मेरा सवाल आपसे, जैसे कि सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के ऊपर कोई कट नहीं लगाया है, बिना किसी कट के फिल्म रिलीज़ हो रही है, सो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है, इट्स अ वेरी फन रन कॉम जैसे हम लोग ने बोला है, इंस्टेड ऑफ रोम कॉम,
क्योंकि यह बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है. सो सेंसर बोर्ड हैज नॉट कट बिकॉज़ इट डिडंट नीड अ कट. आप लकी मानते हैं खुद को थोड़ा इस बारे में? नो, आई फील ब्लेस्ड ऑलवेज. सो आई नेवर फील लकी फॉर एनीथिंग. गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सच फैंटास्टिक पीपल हु आर लाइक मी, हु बिलीव द सेम काइंड ऑफ content, like, you know, they believe in the way I believe too. So working with these the same kind of people I enjoy more. अच्छा मुद्दसर जी, हमने अभी कृषिका जी से भी बात की. उनका भी कहना है कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो फिल्म के लीक से. हमने देखा अभी हाल ही में कई सारे फिल्में लीक हुई. ये फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सभी, इन्होंने भी कहा हम सभी सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो. आप कितना हैप्पी मानते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से? मेरा ख्याल है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए, हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले. फिल्म चलना या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए. एक फिल्म सिर्फ इसलिए ना चले क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया. जैसे जैसे हर चीज़ का एक एक मीडियम होता है आप तक पहुँचने का. आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं. आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ होगी. तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फिल्म मोबाइल पे देख रहा होता है. तो इसमें हम सब साथ हैं. ये हम सब के लिए एक एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है. और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश जबान से थोड़ा सा नाराज रहता हूँ क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को. पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में ना. दरअसल ये चोरी है, इसको चोरी कहते हैं. दिस इज थेफ्ट, इट्स नॉट पायरेसी. एंड थेफ्ट इन एनी फॉर्म इज नॉट गुड. आपको कोई फिल्म पसंद ना आए आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुँचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है. और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें आप बेशक ना देखें, वो किसी रोज़ DVD पे आएगी आप तब देखें, किसी रोज़ TV पे आएगी तब देखें. आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुंचे किसी एक करेक्ट जराए से. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है. और आप मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है. आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. तो दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट. एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है ना. आप क्या चूज करते हैं, वेयर डू यू वांट टू वॉच इट, हाउ डू यू वांट टू वॉच इट, इज इवेंचुअली योर चॉइस. ओके, जाते आते कृषिका जी, इरोस के और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं हम देख रहे हैं, हैप्पी भाग जाएगी, बेंजो, और अगर आप कुछ और बताएं. बार बार देखो और बहुत सारी है पाइपलाइन में, आपको बताएंगे. फिलहाल इसके बाद में बेंजो प्रोड्यूस. थैंक यू सो मच.